से करेंगे हम एंट्री। तो चलिए चलते हैं अंदर, मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं लेके आया हूँ आपको रेल म्यूज़ियम। तो रेल म्यूज़ियम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एरिया। ये पड़ेगा चाणक्यपुरी एरिया में, और जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो होगा मोती बाग। तो अगर हम इसके टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे ये ओपन होता है और शाम को 5 बजे क्लोज़ हो जाता है। एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन रहेगा इसका। और यहाँ पे आप तरह तरह के जो है ट्रेन, डीज़ल और इस तरह के सिमुलेटर वगैरह देख सकते हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको ये व्लॉग, और चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ इसके बारे में कि ये जो म्यूज़ियम है ये 14 फरवरी 1977 में ओपन हुआ था, और यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री के बारे में डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह की ट्रेन वगैरह है। देखिए यहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ से हमने एंट्री करी, और ये मैं आपको एक बार म्यूज़ियम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अंदर आए, ये देख सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव सलून। ये है मीरज स्टेशन की घड़ी। बॉकेट, तो पहले के टाइम में इस तरह से पूरा बगीच बनाई जाती थी, और इस तरह से हॉर्सेस वगैरह से ये सब चीज़ें इसको लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। तो इस तरह से ये पूरा म्यूज़ियम के अंदर डिटेल्स में दिखाया गया है कि कैसे पहले हुआ करता था। यहाँ पे ऐसे कुछ सैम्पल्स वगैरह, स्टीम के कुछ इंजन्स वगैरह के डमी वगैरह इधर ऐसे रखी हुई है। तो यहाँ आके आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ये सब कैसे बनाया गया, कैसे क्या चीज़ है, तो उसका थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाया हुआ है। इस तरह से जब ये टर्मिनल वगैरह बनाते हैं तो वहाँ से ऐसे कुछ जो भी मिट्टी वगैरह निकलती है वो यहाँ से ऐसे इसमें डाल के लेके जाते हैं। ये सब काम वगैरह कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जब ट्रेन के ट्रैक्स वगैरह का काम वगैरह चलता है तो तब ये मशीन्स वगैरह यूज़ होती है, जैसा कि बाहर अभी मैंने आपको एक्चुअल में दिखाया था जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं बड़े बड़े। और ये आप ट्रैक देख सकते हैं। लगता है अभी ये ठीक नहीं है, ख़राब हो रखा है। तो इस टाइप से आप घूम सकते हो यहाँ पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। ये है फेरी शिप TSS हार्डिंग। जो ट्रेन के ट्रैक्स वगैरह कुछ है और क्लिप्स वगैरह उसके सैंपल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि पहले यूज़ होते थे, तो वो सब यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले में लगाया हुआ है। और ये आप देख सकते हो छोटा सा जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका थोड़ा सा डिस्प्ले बनाया गया है। ये ऊपर जो वायर्स वगैरह देख रहे हो ऐसे, उससे कनेक्ट होकर ये चलता था। ये देख सकते हो। और ये है वंदे भारत, जिसका छोटा सा मिनिएचर बनाया गया है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जितने भी आपको ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी है, ये जो बड़े बड़े जंक्शंस है इंडिया में, उनको पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे सभी को। ये कुछ ट्रैक्स वगैरह के सैंपल्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सिग्नल्स के बारे में कुछ बताया गया है कि सिग्नल्स कैसे क्या होते थे पहले, तो ये तो सभी आप जब आओगे आप तभी देख लीजिएगा प्रॉपर डिटेल में। इधर कुछ कंट्रोल्स वगैरह से रिलेटेड कुछ डिस्प्ले बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कुछ ऐसे कंट्रोल वगैरह है, अभी तो सब ऐसे लोग है कुछ। और सिग्नल्स के बारे में यहाँ पे ऐसे कुछ बताया गया है। और एक डिस्प्ले ये बनाया गया है, चनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे हिल्स और बीच में चनाब रिवर है, यहाँ पे इस टाइप से इसको ब्रिज को पूरा बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वंदे भारत है। तो ये हाईएस्ट, इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका डिस्प्ले में यहाँ पे ये बनाया गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, जो देख सकते हो। इतनी सी ट्रेन लगती है, छोटी सी। ये देखो, ये रहा। और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना के इसका, तब ये स्ट्रेट ऐसे बनाया गया। दो हिल्स के बीच में ये रिवर है। यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रैक वगैरह बनाया गया है। नील पत्थर। देख रहे हो, ये यहाँ का लेआउट है। ऐसे कुछ यहाँ से एंट्री करी और ये कैफेटेरिया है, ये फोंड है इधर, और यहाँ से ऐसे घूम के ये पूरा डिस्प्ले बनाया हुआ है। ये बैक साइड है, एंट्री यहाँ से है, तो ये डिस्प्ले ऐसे बनाया गया है म्यूज़ियम का ही। जैसे एक्रेलिक में बना के दिखाई गई है, जिससे कि कोयला इसमें से जाता था, और ये सब ऐसे कुछ बनाया गया। यहाँ पे सब चीज़ें बताई गई है डिटेल में, तो मुझे तो इतना आइडिया है। ब्रेक्स हटाने के लिए प्रेशर देते हैं, और जैसे कोई चैन खींचता प्रेशर रिलीज ब्रेक्स। तो इस तरह के काफ़ी डिस्प्ले बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो इधर भी। और तो ये अलग अलग टाइप के डिस्प्ले में लगाया हुआ है। आप आइए देखिए, और आके इनके बारे में आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, कैसे है। और वहाँ से ऐसे घूम के हम उधर से अंदर गए थे, और यहाँ से ऐसे घूम के हम वापस आ गए हैं। तो फ्रेंड, अभी लेके चलता हूँ मैं अब आपको म्यूज़ियम के बाहर। तो अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम के बाहर। ये मैंने आपको अंदर म्यूज़ियम का व्यू दिखा दिया है कैसा लगता है, तो आप आइए और देखिए कैसा लगा। और ये आ गए हैं हम अब म्यूज़ियम के बाहर, ये देखिए। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है म्यूजियम, और इसी के सामने है टॉय ट्रेन का स्टेशन। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं अब।